गोइथे के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। गोइथे इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पे, गोइथे फिलोसोफर भी रहा है, गोइथे पॉलिटिशियन भी रहा है, गोइथे साइंटिस्ट भी रहा है, गोइथे ने बहुत कुछ किया है। जर्मनी में गोइथे हीरो है, लिटरेरी आइडल, बहुत सारी जगह पे उसको देखा जाता है ऐसे। पेज नंबर 148 लेजेंसी द फ्राग फोन रेजी स्वाइट थाउजेंड ड्राई रेगी रेजी इम इंटरनेट रात के बर वास विसन जी शॉन यूबर योहान वोल्फगांग फोन गोएथे जामलन जी इम कुर्स। बैकग्राउंड का नॉइस ऑफ रखो, हमको बर्तन वगैरह की आवाज नहीं सुने। रेजी स्वाइट थाउजेंड ड्राई जिप्सन उर फियर उन ड्राई सिश जीनियस गोएथे इज ए जीनियस विद मेनी इंटरेस्ट, बहुत सारे इंटरेस्ट थे उसके। वेयर कान मियर स्नेल हेल्फन Who could help me, please? Someone is requesting in internet, and then some people replied. So in these answers, we will find some information. Interesting. Legend see the important. Worum gilt Goethe als universal genie? Why Goethe is considered as universal genie? Means, puri dunya mein usko genius kyon mana jata hai? Zamladok, Einstein mal. Ein paar allgemeine Informationen. Just collect some basic information. Allgemeine means basic. Zum Beispiel, Goethe am 28. August 1749 in Frankfurt am Main. Geburt. Geburt का मतलब है जन्म हुआ। Frankfurt am Main में, ये Frankfurt am Main place का नाम है। Frankfurt जर्मनी में दो है, Frankfurt am Main, Frankfurt am Oder. ऑर्डर जो है फ्रैंकफुर्ट ऑर्डर, ऑर्डर एक रिवर का नाम है, ऐसे ही माइन भी रिवर का नाम है। तो ये इस वाले फ्रैंकफुर्ट में उसका जन्म हुआ, फ्रैंकफुर्ट अम माइन, माइन रिवर के वहां जो फ्रैंकफुर्ट है। वुस्टिस टू दस इन अम अनफंग जैन फादर इंटरेस्टेड है। डू यू नो दैट इन द बिगिनिंग हिज फादर टॉट हिम। गोएथे शुरू में स्कूल नहीं गया, उसके पापा ने खुद ही उसको पढ़ाया शुरू में। फादर इंटरेस्टेड है। डनाक हाटे एयर हाउस लेरर एंड देन सम हाउस टीचर वाज देयर ट्यूटर। गोएथे स्टूडियट है आउख निस्ट स्प्राक ओडर लिटरेचर। गोएथे डिड नॉट स्टडी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और वो लिटरेचर का इतना महान बन गया, शुरू में उसने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। एयर स्टूडियट है अब 1956 यूरा इन लाइप्सिश। यूरा का मतलब है वो तो एडवोकेट बनना चाहता था, लॉयर। लाइप्सिश में उसने पढ़ाई भी उसी की करी, लिटरेचर से लेना देना ही नहीं था, बट अंदर होता आदमी के इंटरेस्ट, सो कभी न कभी उसको मौका मिलता है। जेक्स यार स्पेटर आर्बाइटेड एयर दान आल्स अनवाल्ट एंड देन ही वर्क एज ए अनवाल्ट लॉयर एडवोकेट। Schon sein erster Roman zeigte das eher ein Genie war. His first Roman. Roman का मतलब है novel. पहले novel से ही लग गया कि ये तो genius बंदा है. After his first novel. और novel का नाम क्या था? आगे आएगा. Goethe verliebte sich 1772 unglücklich in Charlotte Buff. शार्लोटे को कई लोग लोटे भी बोलते हैं। सो लोटे बुफ से उसको प्रेम हुआ। लोटे एयर फरपास्टे जाइनन एस्टन रोमान एंड व्हाट वाज हिज फर्स्ट नोवल द लाइडन डेस यूंगन वेटर। दिस इज द नेम ऑफ द नोवल। लाइडन का मतलब है दुख, यूंगन वेटर, कोई वेटर नाम है किसी बंदे का, उस यंग बंदे के दुख, दुख यही था उसको कि वो जिससे प्यार करता था वो
वो किसी और से प्यार करती थी, वो ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था शुरू में, और उस टाइम पे उसने ये लिखा और वो रातों रात फेमस हो गया। दे रोमान माखते इन इन गांस यूरोपा बेरूम्ड दिस नॉवल मेड हिम पॉपुलर इन ऑल यूरोप। काफी कंट्रोवर्सी भी हुई इस रोमान पे, क्योंकि इस रोमान में, इस नॉवल में जो हीरो है वो खुद को गोली मार लेता है, तो आत्महत्या को प्रमोशन। सो बहुत लोगों ने कहा कि ये वैर्थर कोई नहीं है, ये बदमाश गोएथे खुद है, क्योंकि इसने इस नॉवल में हीरो का नाम वैर्थर दिया कि वैर्थर ऐसा है, वैर्थर वैसा है, वैर्थर को प्यार हो गया, वैर्थर ये है, वैर्थर ने खुद को गोली मार दी। लोगों ने कहा कि ये प्यार तो इसको हुआ है, जानते नहीं क्या हम, ये जरूर इसकी खुद की कहानी है। ऐसे करके लोगों ने फिर काफी क्रिटिसाइज किया कि कैसे तुम आत्महत्या को ऐसे प्रमोट करोगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, दुख तो बहुत सारों को नहीं मिलता उनका प्यार, सो क्या सब गोली मार लें क्या, ऐसे करके काफी कंट्रोवर्सी हुई उसमें। देन नेक्स्ट पर्सन आल्स गोएथे, इट वाज एल्टरवार्ड व्हेन गोएथे वाज लिटिल ओल्डर, हाटे एयर फील ए इंटरेस्ट, ही हैड मेनी इंटरेस्ट्स, मल्टी टैलेंटेड आर्किटेक्टर, आर्किटेक्ट में उसका, टेक्चर में उसका इंटरेस्ट था, जो भवन कैसे कैसे बनते हैं, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी पुराने भवनों की वो हिस्ट्री और पुराने समय की, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना जो मंदिर वगैरह इनको देखता है पुराने, है ना, उनकी रख रखाव करता है, उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट हो गया। फार्बन कलर्स में उसका इंटरेस्ट हो गया कि कलर बनते कैसे हैं, कलर का क्या साइंस है, मिनरोलॉजी, मिनरल्स, स्टाइन्स, स्टोन वगैरह में उसका इंटरेस्ट आ गया, शेमी केमिस्ट्री में उसका बहुत इंटरेस्ट था, वेदर एंड मैथमेटिक्स में उसका बहुत इंटरेस्ट था। एयर फरफास्ट है आजू निश्नुअर गिडिस्ट है, गिडिस्ट मीन्स पॉइम्स, ही हैज नॉट जस्ट आजू रिटन सम पॉइम्स, फरफास्टिंग का मतलब होता है कंपोज करना, कोई भी लिटरेरी वर्क के लिए फरफास्ट बोलते हैं लिखने वाला मामला। Not only just poems and dramas, drama और poem ही नहीं लिखे, air are forced as some by spill the farben, he researched colors, phyllis, juxtu, gender, malim, internet, and this person is saying कि गोएथे को समझना इतना इजी नहीं है, नेट पे खुद देखो और इंफॉर्मेशन मिलेगी, नो प्रॉब्लम हो। एक तीसरे पर्सन ने फिर लिखा, ये तो आईडी लोग अपनी अपनी अलग अलग नाम से बना के रखते हैं ना, वैसे ही अलग ही नाम रखते हैं, ओरिजिनल नहीं रखते कहीं। लीस डॉख माल वैटर, वैटर वैटर वही है जो दी लाइडन डैश यूंग एंड वैटर, लीस डॉख माल वैटर देन आर्कियोलनिश, एक कविता है उसकी आर्कियोलनिश, कैसे बहुत ही जोरदार कविता है, टाइम मिले तो आर्कियोलनिश देखना, आर्कियोलनिश गोएथे लिखना। ऑर्डर फाउस्ट बहुत बड़ा एक ड्रामा लिखा है उसने दो बैंड में, हाउस्ट करके, ये पढ़ लो, डस स्टालेस रिंग, एवरीथिंग यू विल फाइंड देयर, लीबे लव लाइफ डेथ एंड टॉयफल भूत प्रेत, ये सब गोएथे राक्षस, गोएथे, गोएथे को नहीं बोला मैंने राक्षस, ओके ये अलग है वर्ड, गोएथे कॉन्टे दी मेंशन जेर गुड बेश्राइबन, He could describe people very nicely. लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता था, लिखने की कला थी उसमें, aktuell bis heute, and that's why he is still means worth reading. Aktuell का मतलब है अभी भी, लोग उसको चाव से पढ़ते हैं, old dated नहीं हुआ, aktuell का मतलब current, updated, मतलब still in tema, अभी भी लोग उसमें बात करना चाहते हैं, ये so योहान वोल्फगंग फोन गोएथे, गोएथेस फादर शार्लोटे, ये कौन थे आप समझ गए, शार्लोटे कौन थी, वही थी इसकी प्रेमिका, हाँ प्रेमिका, एक तरफा था मतलब, दोनों तरफा नहीं था। लिप्टे गोएथे लाइडरनिश्ट, शार्लोटे लिप्टे गोएथे लाइडरनिश्ट, सी डिड नॉट लव दिस गोएथे, ओके सो रेस्ट इन लाइफ इज रेस्ट मतलब लो, जाइन फाटर इंडियन एस्टन यार्न
auch die Farben weltberühmt Gedichte und Drama. So you make the sentence, Johann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe verfasste, what did he compose? Verfasste, kya compose kiya usne? Weltberühmte Gedichte und Dramen. Okay, erforscht hota hai research karna. Johann Wolfgang von Goethe erforscht hai auch die Farben, colors. Unterrichteten ka matlab hai padhana. Goethe's father unterrichtet seinen Sohn in den ersten Jahren. इन दिन एर्स्टन यारन शुरुआती सालों में पापा ने पढ़ाया. ओके स्टूडियर्ट है ग्योटे स्टूडियर्ट है ग्योटे रेस्ट इन लाइप्सिस. रेस्ट का मतलब यहाँ पे लो है कि लो की पढ़ाई करी उसने लाइप्सिस में. ओके सो ग्योटे गेनी जीनियस. Goethe दिखता कैसे आपको पहचानना तो आना चाहिए. Goethe ओके ये Goethe नहीं है, इसको Goethe में समझ जाना. Goethe देख के आप पहचान तो पाओ. कोई ये नहीं कह दे कि A2 में आ गए और Goethe को नहीं पहचान पा रहे. ये है Goethe. यस ये है Goethe. ये फोटो आपको बार बार दिखेगी जगह जगह, आप पहचान जाना कौन था वो. ये था वो Goethe. Goethe ओके und Goethe Werk है. इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें लिखी है उसने. सो Goethe ने इतना कुछ लिखा है कि आपको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे. सैकड़ों किताबें और वो भी इतने पॉइंट्स, इतने ड्रामा, इतना ड्रामा फोन Goethe. खैर ये आप अलग से देखना बाद में, ये आपके लिए नहीं है. आपको केवल फोटो पहचान में आनी चाहिए अभी कि Goethe कौन. Goethe ने कोई इंपॉर्टेंट वर्क्स आप देख सकते हो नेट पे, आपके पास टाइम हो तो, कि ऐसा क्या किया Goethe ने वास्तव में कि लोग उसको इतना याद करते हैं, उसके नाम पे पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूट चला रही है. कल्चर का उसको सिंबल ही मान लिया, बड़ी बात है. और भी लोग बहुत होते हैं ना कंट्री में, बट उसी को. उसके फर्स्ट रोमान के बारे में थोड़ा सा यहां पे आइडिया मिलेगा आपको कि ये ट्रायंगल लव स्टोरी वेटर लोटे अल्बर्ट. जो वेटर है लोग कहते हैं ये Goethe ही है, खुद ही है ये. ठीक है तो आप समझ जाना जहां भी वेटर आए मतलब Goethe खुद. ऐसे लोटे शार्लोट है उसकी प्रेमिका और अल्बर्ट अल्बर्ट वाज फ्रेंड. अल्बर्ट जो था वो एक्चुअली लोटे का फरलोट का मतलब है एंगेज्ड विद, सगाई हो रखी थी. दे बोथ वर एक्चुअली दे बोथ लव्ड ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे. ये बीच में खुद ही टांग अड़ाता है जबरदस्ती. सो उससे दोस्ती करता है उसको पाने के लिए, बट उसको ज्यादा भाव नहीं मिलता. सो खैर इसके बाकी सारे कारनामे भी देखेंगे तो हो सकता है कि अपन को इतना आइडियल ना लगे, लग भी जाए इट्स पर्सन टू पर्सन. ओके सो हियर दिस फोटो इज फ्रॉम हिज फर्स्ट नॉवल द लाइडन डेस Jungenwärter. Jungenwärter जो कि Goethe ही है ऐसा बोलते हैं. ये वाला देखो यहां पे ये Goethe है, ये लोटे है. लोटे अपनी लोटे की बहुत सारी बहनें भाई मतलब ये कई सारे हैं. देखो
कितने बहन भाई? हाँ भाई इतने ही है, उसके तो क्या करें, आठ थे शायद टोटल, पढ़ेंगे इसको। Das Bild zeigt eine Szene aus Goethes Roman. The Leiden des jungen Werther. This photo is a scene of Goethe's Roman, Werther ke Dukh. Air, dare. Dare matlab Roman. In Übernacht, berühmt macht hai. And this Roman, this drama made him popular overnight. रातो रात पॉपुलर बन गया वेटर, वेटर मतलब ब्यूटी, ओके। वेटर द रोमन हेल्ड हीरो ऑफ दिस नॉवल बेरिस्टेड जाइनम फ्रॉइंड विलेम इन ब्रीफ। होता क्या है कि वेटर जो है अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखता है, ब्रीफ है, ब्रीफ है, खूब सारे ब्रीफ लिखता है, लेटर लिखता है, अपनी हर हरकत लेटर के थ्रू बताता है कि आज ऐसे हुआ, कि ये हुआ, ये चल रहा है। सो उस लेटर्स को, जब ये लेटर सारे सारे लेटर्स को एक साथ लाके इसको रोमान का रूप दे दिया गया, ठीक है। सो ये लेटर फॉर्म में है। सो वो अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड विलियम को बताता है लेटर्स के थ्रू, फोन जाइनर उन ग्लूक्लिशन लीवन सो लोटे अबाउट हिज अनहैप्पी लव विद लोटे। Als er sie auf einem Ball kennenlernt, Ball का मतलब है कि बॉल डांस जहां होता है, ऐसे बॉल डांस करने गया होगा, वो भी थी वहां पे, तो उसको जानकारी हुई। Verliebt er sich sofort in sie, वो उसमें तुरंत ही उसके प्यार में पड़ गया। He was if या fell in love with her. Aber Lotte ist mit Werthers Freund Albert verlobt. Lotte Werther के फ्रेंड अल्बर्ट से एंगेज्ड थी। वेटर बेजुक लोटे गैर, वेटर ट्राइज टू इंप्रेस हर, विजिट्स हर अगेन एंड अगेन, जी इज शोन सी इज ब्यूटीफुल एंड ऑल बेवुंडर्ड जी, एवरीवन प्रेजेस हर, सब उसकी बड़ाई करते हैं लोटे की। क्यों? व्हाइल जी जिस लीब फॉल उन इरे आठ गेश्विस्टर क्यूमर्ड, आठ भाई बहन थे छोटे उससे, वो बड़ी बड़ी थी, सबकी वो प्यार से केयर करती थी। Ihre Mutter ist tot, her mother is dead, Lotte mag Werther, Lotte जो है Werther को पसंद तो करती है, aber sie liebt ihren verlobten Albert, but प्यार नहीं करती, प्यार वो Albert से करती है, while sie in heiratet and because Lotte Albert से शादी कर लेती है, endet Werther's Liebe tragisch, so Werther वेटर का प्यार वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने देखता अब तो कोई होप ही नहीं है। सो ऐसे करके ये लास्ट में फिर खुद को गोली मार लेता है। ये इसकी स्टोरी है।